सबसे ज्यादा चलने वाली है, इसके एडजस्टेबल हैंडल होते हैं। ए ग्रेड के बोर्डों में चीज अच्छी, बस ये समझ लीजिए कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से थोड़े से प्राइस नॉर्मल है। फोल्डिंग टेबलों में भी बहुत सारी ऐसी हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर डेली अमेजिंग वीडियोस आपके लिए, टू होलसेम आपके फूड ट्रैवल इवेंट्स एंड बहुत कुछ। तो ऐसे कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डू लाइक दिस वीडियो। आज मैं लेके आया हूं इंद्रपुर की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट पर। आज आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ ऑफिस फर्नीचर की प्रॉपर कलेक्शन। मैं शॉप में आऊँ जहाँ पे मुझे बहुत सारी ऑफिस कलेक्शन दिख रही है, अलावा इसके अलावा थोड़ी घर की भी दिख रही है जैसे अलमीरा वगैरह, तो हम वो भी देखेंगे। सो पूरी कलेक्शन देखने वाले हैं, उस कलेक्शन को एंजॉय करने के लिए ये ब्लॉग एंड तक जरूर देखना। लाइक कर दो वीडियो एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल का कि पता नहीं हमें। चलो आप टू जल्दी से स्टार्ट करते हैं, पूरी कलेक्शन देखते हैं प्राइसिंग के साथ। आ जाओ तो वही आज मैं आऊंगा स्काई फर्नीचर ऑफिस एंड होम डेकोर में। देखो यहाँ पे ना पूरा फर्नीचर आपको दिख रहा है, बेसिकली होम ऑफिस फर्नीचर भी बहुत सारा दिख रहा है, तो भैया से पूरी कलेक्शन पूछते हैं। हाँ जी भैया, भैया लाइक क्या क्या मिल जाता है यहाँ पर ऑफिस का? सारा ही मतलब ज्यादातर एक्सेसरीज अवेलेबल है। दूसरी चीज अलमारी, होम के हिसाब से भी फर्नीचर वगैरह है, अलमारी हो गई, चस्टर, कैबिनेट, टीवी यूनिट वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मतलब जो शॉप में अवेलेबल नहीं होती, मगर अपने यहाँ ये बनती है। मेरा भाई का ही खुद का फैक्ट्री है, वर्क करता है, मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, तो सारी चीजें बनती है। वो ऑफिस में भी कुछ ऐसे साइज होते हैं टेबलों के, अलग अलग साइज, कोई मतलब डिजाइन भी अगर गूगल वगैरह से देते हैं तो वो सब भी बनता है, कस्टमाइज पूरा हो जाएगा ऑल। अच्छा तो थोड़ी यार कलेक्शन दिखा दो। स्टार्टिंग से मैं बात करूँ तो ये वाली चेयर आ जाती है फिक्स में, पीओ वाली। अच्छा, ये 2000 रुपए की पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो ये इम्पोर्टेड में होती है चेयर, नेट वाली, ठीक है। बैक की इसकी मैश अलग होती है, ये 2600 रुपए की होती है। अच्छा, उसके बाद अपनी जितनी भी चेयर है मतलब वो सारी कंपनी की है, यूरेक्स कंपनी की। और ये वाली जैसे आप यहाँ ये होती है चाइनीज में। अच्छा, ये इम्पोर्टेड में आती है। उसके बाद अब मैं जैसे बात करूँ तो सारी ये एक ही एडजस्टेबल होती है, सबसे ज्यादा चलने वाली है। इसके एडजस्टेबल हैंडल होते हैं, एडजस्टेबल बैक का कुशन होता है यहाँ का, अपना बैक वगैरह ये हेड वगैरह एडजस्ट। दूसरी चीज क्या होती है, जो बेस मार्केट में आजकल चेयरों में मिलते हैं वो मेटल, ये मेटल की बेस है, क्रोम बेस मिलते हैं। उनकी व्हील्स वगैरह जो है सब उनकी 2-2 साल की वारंटी है, सारी जितनी भी 2 साल की वारंटी मिल जाएगी, 2 साल की वारंटी होती है चेयर जितनी भी, मतलब सारी है। ये बॉस चेयर में आती है। हाँ, ये बॉस चेयर चेयर तो बहुत सारी है, तो मतलब है 2-2 साल की वारंटी, हैवी बेस व्हील सब स्टील हैंडल। अच्छी लग गया। इसकी कॉस्टिंग क्या है? इसकी कॉस्टिंग पड़ती है 10,000। अच्छा, 10,000 रुपए। 10,000 और 2 साल की वारंटी। हाँ, 2 साल की वारंटी रहती है। इसी में बहुत सारे अलग अलग वेरियंट है सेम कंपनी के। और कौन सी होती है? प्यूरेक्स की है, ये साइड में लगा हुआ है लोगो हमारा, देख सकते हैं। और चेयर में कभी भी कोई ऐसी कोई शिकायत आएगी तो हमारी शॉप पे आएगी, ऐसा नहीं है कि कहीं जाना पड़ेगा। ये भी है, ये इसकी कॉस्ट पड़ जाती है 8,500 रुपए। हाँ, बाकी ये पीस में एक और बाकी हो जाएगा, वो तो अगर ज्यादा पीस लेने होंगे किसी को तो और मिल जाएगा। एक पीस में भी जितनी बार्गेनिंग है वो है। फिर ये आ जाती है जैसे स्टडी वर्क के, यंग बॉयज वगैरह करते हैं स्टडी, सबसे ज्यादा। हाँ, इम्पोर्टेड चेयर में अच्छी लग रही है, कलर भी अच्छा लग रहा है, कलर भी है, कलर और भी मिल जाएंगे, ब्लैक कलर मिल जाएगा, इसकी मैश वगैरह भी अलग है। सबसे कम्फर्ट चेयर मुझे लगती है ये, स्टडी टेबल टाइप में आ जाती है। ये क्या कॉस्टिंग है? इसकी पड़ती है 6,500। और फिर भी जो डिस्काउंट होगा वो हो जाएगा, इसमें एडजस्टेबल नहीं होता कुछ भी, मगर कम्फर्टेबल में सबसे ज्यादा जो मुझे बेस्ट लगती है नेट चेयरों में, सबसे बेस्ट है इसकी बैक वगैरह, हेड वगैरह। अच्छा, और ये भी आपकी उसी कंपनी के? नहीं, ये इम्पोर्टेड माल है, इम्पोर्टेड। हाँ, फिर स्टडी टेबल्स वगैरह आ जाती हैं, ये सारी अपने हिसाब से साइजों के हिसाब से कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, कोई सभी साइज बन सकता है जैसे मॉडल चाहे। हमारे पास फोटोज भी मतलब 400-500 फोटोज अवेलेबल रहती है स्टडी की, जो हम बना चुके सप्लाई उसी की करोगे। अच्छा, आइडिया। हाँ, तो मॉडल फोटो दिखा के भी जो अवेलेबल है वो यहाँ पर, ये इतने 3 मॉडल्स है, 3 से 4 मॉडल लेंगे, उसके बाद कोई हम फोटो दिखाएंगे वो पसंद करेंगे या उनके साइज का, तो वो सब कस्टमाइजेशन से। ये भैया, ये वाली जो स्टडी टेबल होती है, कंप्यूटर टेबल भी होती है, कितने की है ये? छोटी वाली टॉप टेबल, ये 1,000 रुपए की होती है, ये वुडन में है। एडजस्टेबल होती है, इसे भी अपना लैपटॉप वर्क करना होता है, साइड में इसमें छोटी सी एक दराज दी हुई होती है, अपना छोटा मोटा सामान रखना उसी बात में। ये लकड़ी की है, प्लास्टिक की नहीं है, वुड में है, वुड में। नाइस। उसमें फिर अपने बाकी प्लेन टेबलों में आ जाते हैं, सारी जैसे नॉर्मल टेबल होते हैं ओपन, ठीक है, यहाँ लगी हुई है, कलर वगैरह सब उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनकी लाइक बेसिक स्टार्टिंग रेंज क्या है? इनकी स्टार्टिंग रेंज है जैसे ये 3,200 रुपए का, 3 ड्रॉट वाला, ड्रॉल वाले में खर्चा ज्यादा होता थोड़ा सा। अच्छा, तो इसमें ड्रॉट है,
इसके आ जाते हैं फिर 3200। ठीक है, इसमें एक ड्रॉ का 4x2 का साइज है, वो 3.5x2 का है मगर उसमें ड्रॉ का खर्चा है। तो अपना अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग लुक, कलर की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब आ जाते हैं, ये छोटे साइज आ जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल, ये छोटे लिए कितने के स्टार्टिंग रेंज का है? ये 2800 रुपए की है वैसे तो, 2800। बाकी जब शॉप पे विजिट करेंगे तो वो हो जाएगा। हाँ, उसमें हो जाएगा। इधर ये सब शुरैक वगैरह लगे हुए हैं। इनकी क्या है स्टार्टिंग रेंज? इसकी भी 2800 रुपए की है, 3x4 की। इसमें हमारे जो लॉक वगैरह है सब बढ़िया वाले लगे हुए होते हैं, तो वाकई में क्योंकि अपना बनता है तो मैं थोड़ा सा अपने सामान में थोड़ा सा अच्छे कुछ करवाता हूँ। कब्जे वगैरह सालों के अंदर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो शॉप पे खुद वहाँ पे घर पे जाके वो लड़के कर देंगे। तब लॉक तो इसमें सबसे छोटी है वो शायद ये वाली है। हाँ, सबसे छोटा साइज ये 1800 रुपए की, 1800 की वही अपना अभी होगी। फिर ये अपने चेस्टर वगैरह आ जाते हैं, ये शुरैक्स के बड़े साइज है ये वाले। अच्छा, और चेस्टर की स्टार्टिंग है ये 4500 रुपए का। दूसरी 17 इंची है जो मार्केट के अंदर है वो 12 इंची की डेप्थ में देते हैं, और हमारे जो है वो 15 इंची की डेप्थ वाले। अच्छा, डीप प्राइस रेंज बराबर होंगी वही कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग है उस वजह से, तो इसलिए आपको बेस्ट चीज मिल जाएगी उसी प्राइस। हाँ, उसी प्राइस में जो मार्केट में मिलेगी वो हमारे यहाँ ज्यादा डेप्थ में अच्छे लॉक, अच्छे कब्जे क्वालिटी के साथ सबसे बड़े। अच्छा, ये वाली सब ये सकते हैं चेस्टर मॉडल, बाकी कोई वो नहीं। बच्चों की स्टडी में मिलती है, बच्चों की स्टडी एक तो जो आजकल चल रही है वाली चलती है, हमारे पास एक बेहतरीन क्वालिटी की स्टडी भी है जो मार्केट में नहीं मिलती है। मैं दिखा दूंगा ये, थोड़े से अलग अलग मॉडल की पसंद करते हैं तो थोड़ी हैवी क्वालिटी में है। हैवी क्वालिटी की है, लाइट लैम्प के साथ, लाइट लैम्प वगैरह भी है इसमें, चार्जिंग केबल पॉइंट दिया गया है। साइज इसका एक इससे बड़ा साइज भी मिल जाएगा जो आयरन में होगा, ये वाला फाइबर में है। अच्छा, और एक आयरन में बड़ा भी मिल जाएगा इसमें ऑनलाइन वर्क करने के लिए, जैसे आईपैड वगैरह लगा। आयरन ये वाली है उसमें? नहीं नहीं, वो अलग है, अलग है, ये हल्का मटेरियल है, ये है आजकल ये चलते, ये अलग एकदम मतलब न्यू आया है, ये पूरी मार्केट में हमारे ही पास है। कितनी कॉस्टिंग है इसकी? 4000 की, 4000 रुपए ऑनलाइन इसकी कॉस्टिंग, 5500 की तकरीबन है। और एक इसका बड़ा वाला भी आयरन में, उस पर हम जैसे भी या बड़े लोग भी बैठ जाएंगे उसकी चेयर पर फर्क नहीं पड़ेगा, होती थी मजबूत है, 10 क्वालिटी है। हाँ, क्वालिटी है भी इसकी, अच्छी लग रही है, मतलब बहुत डिफरेंट चीज है ये। वैसे ये बेसिक तो देखने के लिए मिल जाती है, बट फिर भी ये थोड़ी अलग चीज है, थोड़ी मॉडर्न टाइप है। अलमारी आ जाती है, ये अलमारी हम जितने भी पूरे इंद्रपुरम में शोरूम के अंदर ऐसी कोई सी भी अलमारी नहीं है जो हमारे पास है, ये वाली जैसी इसी शोरूम में आपको ऐसी ऐसी अलमारियाँ नहीं मिल रही। ये मैमरीन की 20 इंची की डेप्थ है, 22 इंची की रेडी नहीं रखते शोरूमों में लोग, फिर भी बैक में भी 18mm का जितना आगे फ्रंट पे बोर्ड है उतना ही डेस्क अंदर बोर्ड लगा हुआ है 18mm का। PVC वर्क हुआ हुआ है सारा, टॉप टेपों पे नॉर्मल वर्क नहीं है। 22 इंची डेप्थ, एक डोर के अंदर 4-4 कब्जे, नॉर्मली 3 कब्जे मिलते हैं मार्केट के अंदर। 75mm के बड़े लॉक है, चाहे वो बड़े कब्जे में हो या छोटे डोर में हो। ठीक है, मिरर अंदर से दिया हुआ है, कोई भी बाहर से वो नहीं के। हैंगर के पाइप बहुत हल्के वाले लगाते हैं अलमारी के अंदर, वो भी हैवी में है। एल कोनियों पे बनी हुई है, 1.5 क्विंटल का वेट भी डालोगे आप, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने का। इसके नीचे तक PVC का वर्क हुआ हुआ है, कहने का मतलब है टर्माइट प्रूफ है एक तरीके से पूरी। हाँ, सिंगल डोर इधर सेम चीज, 75mm के बड़े कब्जे, बाहर से कोई भी पेंचों का इस्तेमाल नहीं किया गया सर एलकोनी में। चैनल बड़े लगे हुए एकदम, 3-3 तरह, सिंगल क्वालिटी हैवी सारी। इसमें मॉडल्स और भी सारे हैं बहुत सारे, जब कोई शॉप पे विजिट करेगा तो हम इसके डिजाइन और बहुत सारे दिखा देंगे। छोटे साइज में ये वाली है जैसे, सेम क्वालिटी की है। इसकी प्राइसिंग क्या है बड़ी वाली की? बड़े वाली की 22000, बाकी जब विजिट करेंगे तो हो जाएगा। ये 22 इंची कह रही है, वो सब सेम क्वालिटी सेम। इसके अंदर 5 कब्जे, 1, 2, 3, 4, 5 कब्जों से ज्यादा कस्टमर को डबल लॉकर मिलते हैं अंदर। इसके अंदर भी कोई कस्टमाइजेशन है वो भी। और इसकी कॉस्टिंग है? इसकी 16000। 16000 ये 7x3 में है, और ये जो मैंने दिखाई थी ये 7x4 में है। साइज इसका 7 फीट हाइट, 4 फीट चौड़ाई, 22 इंची तक उसकी हाइट है, 6.5 फीट, 3 फीट की विड्थ है, और डेप्थ 22 इंची। इसकी 7 फीट की हाइट है, 3 फीट की विड्थ है, और 22 इंची की डेप्थ है। ये भी सेम है, अंदर से इंटीरियर डबल चोकर वगैरह ऊपर की साइड 3 फीट में भी, वही सब सिमिलरली हैवी क्वालिटी है। कॉस्टिंग है इसकी पड़ती है 19500। ये वाली हल्की आएंगी इनसे? इनसे हल्की है,
मगर फिर भी ये एक ग्रेड के बोर्ड में बनती है, चाहे अगर कोई कस्टमर देखना चाहेगा बोर्ड के सैंपल ही हो, फैक्ट्री हमारी यहीं पास में है, फैक्ट्री में जाके देख सकते हैं खुद का बनता है। यहाँ से लेके जितनी भी अलमारी होगी इसमें एल्यूमिनियम का वर्क हुआ है, ये साइज है, ये होती है 16 इंच की डेप्थ में। अच्छा, मार्केट में नॉर्मली दो कब्जे होते हैं हाइड्रोलिक के अंदर, इस साइड और उस साइड, हमारे में तीन है, चोकर भी सिंगल होगा, चोकर भी डबल है, एल्यूमिनियम का वर्क हुआ है, अंदर से देखेंगे 75 mm सेम बड़ा लॉक, होल्डिंग शेल्फ वगैरह लॉकर में लॉक वगैरह बढ़िया। ये कितने की पड़ जाती है? ये 10,000 की है, बाकी 10,000 रुपए की मिल जाएगी। और हैवी क्वालिटी है भी, मतलब मैं अगर पकड़ के खोल रहा हूं ना इसमें एल्युमिनियम वगैरह होगा। और ये साइज है, कलर का डिफरेंस है, ठीक है, एल्युमिनियम वर्क नहीं हुआ हुआ, बाकी सब चीज सेम। मिरर आ गया, हां मिरर आ गया। मिरर का ये है कि मिरर कस्टमर लेना चाहेगा जिसमें भी नहीं उसमें कोई चार्ज नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये 10,000 का है? नहीं, ये आपको 9,000 रुपए की पड़ जाएगी। अच्छा, ये और कम है? एल्युमिनियम वर्क नहीं है इसमें, जो हुआ है वो एल्युमिनियम वर्क का वो है। हमारी 7x4 में यहाँ पे देखा होगा, नॉर्मली गत्ते के वो लगा देते हैं, हमारी स्टील की पत्तियां लगती है और कब्जे भी वही सेम टू सेम जो बड़ी अलमारी में हैवी में 1, 2, 3, 4। दूसरी चीज ये मार्केट में जब जाएंगे तो कस्टमर देखेगा यहाँ की जो शेल्फ होती है वो भी हाफ हाफ होती है, ये भी हमारी शेल्फ फुल होती है, बीच वाली रखनी पड़ती है क्योंकि कब्जा होता है लोकर की वजह से। अच्छा, हाँ ये भी है, सिंगल साइड 4 कब्जे इन खाने मिल जाते हैं, नीचे ड्रॉर है, 75 mm का लॉक है बड़ा इसमें भी, सिंगल ड्रॉर में भी, यहाँ पे भी ड्रॉर मिल जाएगी। और बाकी कोई कोई चाहता है कि यहाँ पे 2 ड्रॉर करा दो या 3 ड्रॉर करा दो, वो हो जाती है। कितने दिन में जाती है कस्टमाइजेशन? कस्टमाइजेशन अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो हम उनको 1 दिन के अंदर भी बना के दे देते हैं। और वैसे यूजुअली कितना लगता है? वैसे हम नॉर्मली 2 से 3 दिन का टाइम ले लेते हैं। 3 दिन लगा। अगर मान लीजिए कोई टीवी पैनल वगैरह है, कुछ बड़ा ऑर्डर है, मतलब जैसे थोड़ा सा होता है, उसमें हम टाइम लेके चलते हैं 4-5 दिन का। हफ्ता भर तो हम किसी चीज में लेते हैं, 4-5 दिन मैक्सिमम। हफ्ता भर लेके वो चलते हैं जिन्हें किसी से सप्लाई लेनी होती है, मान लीजिए कहीं से ऑर्डर करवा के वो भी बनवाते हैं खुद का, तो उन्हें डर रहता है भाई लेट हो जाए, अपनी कस्टमाइजेशन है हमें डर। तुम्हारा खुद की मैन्युफैक्चरिंग है? और ये साइज है 6.5x4 का। ये भी सेम बोर्ड? सारी सेम बोर्ड, सेम बोर्ड में, सेम क्वालिटी, ताले, लॉक, कब्जे, 1 डोर में 4-4 कब्जे, ये सब सेम मिलेगी सब में, बस साइजों का फर्क है, मॉडल, कलर, इधर हैंगिंग वगैरह के पाइप है। बस जब आप आओगे ना तो यही कस्टमाइजेशन मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। ये वाले सारे सेम बोर्ड है, जैसे इसमें नीचे आपको यहाँ पे ये बोर्ड ये मिल गया और दूसरी में नहीं था। बोर्डों में एक तरीके का ये भी चल रहा है कि इन बोर्डों में ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड चलते हैं, तो अपनी जितनी भी है सारी ए ग्रेड के हैं, बी ग्रेड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक मॉडल ये आ जाएगा, इसका हैंडल भी चेंज हो गया, अब जितनी भी मतलब हमारी टाइम होता जा रहा है तो हम उसमें चेंजिंग लाते जा रहे हैं वगैरह। हाँ, अब इसका अंदर का लुक ये अलग है, वन साइड हैंगिंग साइड है, नीचे की फुल शेल्फ इधर हाफ है, और अगर इसे भी फुल करना चाहे तो हम ये फोल्डिंग है हटा सकते हैं, या नीचे लग दी पूरा हैंगर बना लिया फोल्ड कर। मुझे ये डिजाइन ज्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है, पर्सनली सेम टू। इसमें ना हैंगर वाली चीज ज्यादा यूटिलाइज हो जाती है, और स्पेस, दिस इज अ रियली नाइस डिजाइन। और ये कलर भी थोड़ा डिफरेंट कलर आ गया, कलर बहुत सारे हैं, कलर की कोई दिक्कत नहीं है, सब छोटी अलमारी हो बड़ी अलमारी हो, 4-4 सेम सेम कब्जे वही सेम है, लॉक वगैरह सब ग्रीन साइज में, जैसे एल्युमिनियम वर्क आ गया। एक ये आ जाती है हमारे पास बच्चों की अलमारी, अच्छा, तो बच्चों की ज्यादा है, इसमें प्रिंट मिल जाएंगे, एवेंजर, डोरेमोन, आपका स्पाइडरमैन, मतलब ऐसे गर्ल्स में बारबी वगैरह का जो होता है सारे वो मिल जाएंगे। इसकी क्या कॉस्टिंग आती है? इसकी 7,000 को है, बाकी विजिट करने के बाद जो हो जाए। हाँ, अंदर की शेल्फ भी हमने कार्टून की दी हुई है, प्लेन नहीं रखी, अंदर से भी कार्टून लगाते हैं पूरा पूरा सेम, जिससे नहीं लगाता अंदर तक पूरा कार्टून देते हैं, लॉकर वगैरह फुल शेल्फ वगैरह। इसमें 3-4 साइज बन जाते हैं, ये 6x2 की है, 6x5.5 बन जाएगी, 6x2, 4x2, ये सारे साइज बन जाएंगे, डिजाइन बहुत सारे होंगे। ये प्लेन में आ जाती है जैसे ऑफिस के पर्पज से आ जाती है, ओनली शेल्फ शेल्फ वाली अलमारी, ज्यादा खाने उनमें भी आ जाएगी। ये कितने की आती है? ये कहने को 5,200 की है, जब विजिट करेंगे तो ये हो जाएगी। कहने का मतलब है ए ग्रेड के बोर्डों में चीज अच्छी, बस ये समझ लीजिए कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से थोड़े से प्राइस नॉर्मल है, और अगर 1-2 दुकान क्वालिटी होंगे तो वो क्वालिटी की वजह से होंगे, क्वालिटी से हम डर नहीं रहे, चेक करा देंगे जाके, फैक्ट्री है ये पास में, ये नहीं है कि दूर कहीं दूर चले गए,
ये बुक शेल्फ है जैसे ऑफिस के पर्पज से या घर के पर्पज से किचन में काम आ जाती है, इधर दो मिल जाती है, इधर दो वाली इधर ग्लास में आ जाती है। ये ऐसे ही घर में आप क्रॉकरी टेबल तरह भी यूज कर सकते हो, क्रॉकरी में भी यूज कर सकते हो, ऑफिस में बुक शेल्फ के पर्पज से यूज होती है ज्यादातर, ये सब आ जाती है। ये सेम वो मल्टीपर्पज टेबल आप यूज कर सकते हो। इसके बाद मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी है, और ये ड्रेसिंग का एक मॉडल है, दो तीन सेल आउट होते हैं, मुझे ये वाला बड़ा प्यारा लग रहा है। कंच की शेल्फ है, बहुत से कहते हैं कि भाई इसमें शेल्फ का थोड़ा खतरा है, तो इसमें डोर भी लग सकता है बाहर से। अच्छा, निकला तो वो उनके हिसाब से कुछ हो जाएगा। ये हमारा मॉडल है, हमने अपनी तरफ से बना रखा, तो उसमें कुछ उन्हें लगाना तो हम हो जाएगा ना। कितनी भी तरीके से तीन तीन ड्रॉर आ जाती है नीचे, कुल 6 फीट का पूरा मिरर लगा हुआ है। एक ड्रेसिंग का मॉडल ये है, इसी में कॉस्टिंग है, ये इसकी वैसे 5200 है, इसकी भी सेम, क्योंकि इसके बैक में 18mm का बोर्ड लगा हुआ है, बाकी सब में प्लाई लगती है 6 इंच, इसमें 18mm का बोर्ड है, इस वजह से थोड़ी सी प्राइस रेंज इसकी 5200 है, बाकी 6 फिट का मिरर है इसके अंदर। ये चौड़ी है, ये 3500 रुपये की आ जाएगी, 3500 3500, ठीक है। बाकी ड्रेसिंग के इतने सारे फोटोज हैं जो बने हुए हैं, देख के अपना विजिट करके ऑर्डर पे लगा के दो दिन में अपने घर पे। अच्छा, उसके अलावा ना कि डेकोर में बड़ी चलते हैं, इसकी स्टार्टिंग रेंज क्या होती है इनकी? इनमें क्या है, अभी तो मार्केट में ये बहुत सारे उतर गए, तो उनमें क्या चल रहा है, यहाँ चारों साइड फॉर्म नहीं होती, दूसरी चीज ये होती है इनके लैग का डर होता है, तीन लैग है किसी किसी में। मैं आपको दिखाता हूँ, बफी हमारे पास जो कपड़े हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के चलते, दूसरा क्या होता है नीचे के लैग्स वगैरह का डर रहता, भारी वजन आदमी बैठे, 18mm के बोर्ड लगाए होते हैं नीचे, हमने हॉल हुए हुए होते हैं, कस्टमर देख सकता है आपके हाथ डाल के अंदर के, हाँ बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि दरअसल क्या होता है ऐसे हाथ मार के पता नहीं चलता कि उसमें लगा हुआ क्या है, प्लाई लगी हुई है, बोर्ड लगा, इसमें हॉल हुआ हुआ है, वेलवेट है, कपड़ा वॉशेबल है, 40 density की सीट है, वेलवेट का कपड़ा है, वॉशेबल कर सकते हैं सीट वगैरह, लैग शीशम के है, शीशम के हैं, शीशम का कॉस्टिंग है उसकी 2800 रुपये का पेयर है, बाकी जो नॉर्मल चल रहे हैं जैसे साइडों में प्लाई वगैरह वो 2000 रुपये के पेयर, वो भी अवेलेबल करा देंगे, मगर मैं रखता नहीं। अच्छा, इसके सारे कलर कलर वगैरह बहुत सारे हैं, कपड़े मिल जाएंगे, ठंड के हिसाब से हमने ये वाला भी रखवाया था, उसमें चीज़ नहीं, इसकी क्वालिटी एकदम सॉफ्ट वाली जो होती है, जो ठंड में कंबल वाली जो आती है, कंबल वाली एकदम उस हिसाब से, ब्लैंकेट से, बाकी सारी चीज़ें हैं। बाकी एक ये है जैसे घर में स्टोरेज के पर्पज से सिंगल साइज कलर चलते हैं, स्टोरेज के नहीं होता तो छोटे छोटे साइजों में कलर है अपने पास। अच्छा, इनकी साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं, बाकी इनकी 16 इंच की डेप्थ है, ये 5500 रुपये का पड़ता है, बाकी विजिट करने के बाद जो प्राइस होने ये भी इसका 4500 का है, 4.5 by 16 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 by 16
पैर है, नीचे की साइड भी 18 mm बोर्ड है, चारों साइडों में 18 mm बोर्ड है, यहाँ पे जो बैक पैन इसमें भी 18 mm बोर्ड है। कहने का मतलब है कहीं से भी कच्चा काम नहीं छोड़ा कि उसमें हो जाए, अंदर भी की साइड भी 18 mm बोर्ड है, तभी में किसी में नहीं छोड़ा। सीटिंग लेते हैं तो उनका गद्दी का जो साइज होता है उस हिसाब से हमें बना के मिलती है थोके वाले, तो जो गद्दी का तो जो प्राइस होता है बन के मिल जाए वही प्राइस हम जो होते हैं हमें अपना चाहिए होता है। अच्छा। हमारा सामान बाकी कैफे वगैरह का सामान ये सब भी अपने पास ओवरऑल फर्नीचर मिल जाएगा ज्यादातर, और चेयर यही नहीं है, चेयर हमारे पास गोदाम में भी बहुत स्टॉक रहता है। अच्छा। और सारी चेयर ये तो बेसिकली आईडिया है, उसके अलावा भी बहुत सारा सब कुछ डिस्प्ले में भी होती है। फ्रेश पीस मांगते हैं, फ्रेश देते हैं गोदाम में से निकाल के, अपने पास स्टॉक फुल रहता है। अच्छा, स्टॉक वहाँ पे भी है, फुल रहता है गोदाम में, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है हमारी उसी में हमने वो चेयरों का वो बना रखा अपने रखने के लिए, सारी सब मतलब एक नंबर। एक है लास्ट, मुझे ये बता दो जो फैंसी चेयर रखी है बाहर जी वो कितने की पड़ती है? अलग अलग प्राइस, ब्राउन वाली जैसे रखी है, ब्राउन वाली है वो 2800 रुपए की, उसका नीचे का बेस भी अलग है, इनमें वारंटी नहीं आती है, ये चीज तो मैं समझिए इंडियन है, उसका बेस अलग है, नीचे का 6 महीने की शोकर की और 6 महीने की बेस की वारंटी रहती है। मैं वही कह रहा हूँ, ये तो समझिए तुम्हारी क्वालिटी अच्छी मिलेगी तुम्हारे, सॉरी शॉप छोटी है वाली थी, ज्यादा क्वालिटी नहीं रख पाते, मगर ये है कि छोटी शॉप में भी हमने अच्छी चीजें रखने की कोशिश कर रखी है। उसके अलावा हमारे पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मतलब रखी भी नहीं होती हैं, सारी अंदर रखी होती हैं, जैसे फोल्डिंग टेबल्स, फोल्डिंग चेयर्स वगैरह बहुत सारे आइटम्स हैं। फोल्डिंग चेयर
फोल्डिंग टेबलों में भी बहुत सारी ऐसी साइज हैं जो मतलब अलग अलग हैं, 2x2, 3x2, 32x32 और दो क्वालिटी की होती है, एक टी फोल्ड वाली होती है, एक इससे हल्की वाली होती है। हल्की वाली फिलहाल यहाँ से खत्म हो गई है, गोदाम में रखी है। ये टी फोल्ड वाली है, इसका जो बेस होते खुलने का तरीका ये होता है, जो इसके पाइप वगैरह हैं ये बहुत हैवी हैं, तो ये अंदर रखी होती हैं तो देख नहीं पाते बहुत से कस्टमर में। ये कहने को तो 2050 की है बाकी। और इसमें जो हल्की वाली आती है, हल्की वाली 1400 रुपये, वो भी नेगोशिएबल हो जाएगी। साइज 3x2 में ही होता उसके, खाली जो हल्की वाली आती है उसमें 3x2 के साइज होते हैं, बाकी ऑनलाइन उसके 1600-1650 ऐसे प्राइस है। इनमें तीन साइज मिल जाएंगे, एक 2x2 का, एक 3x2 का, एक 32x32। 32x32 में सर्कल और स्क्वायर मिलेगा, 3x2 में ओनली रेक्टेंगल और 2x2 में स्क्वायर और सर्कल। अच्छा, और इसके साथ चेयर वगैरह भी होती है? चेयर वगैरह तो अब वर्क करने वाले देखते हैं, या तो उन्हें ऑफिस चेयर रखते हैं, या तो वो या किसी को अपने हिसाब से रखते हैं। अपने हिसाब से करते हैं, किस पर्पज से ले रहे हैं, किस उससे ले रहे हैं। बाकी फोल्डिंग चेयर वगैरह भी अपने पास 4-5 तरीके की अवेलेबल है। और भैया तुम्हारी लोकेशन क्या रहेगी? ये हमारी लोकेशन रहेगी नीतिखंड मन काला पत्थर रोड पे, प्लॉट नंबर 1086, 1086, द वीकेंड माइंड मोर शॉप के जस्ट 3 शॉप आगे। हाँ, एक बार अपना कार्ड दिखा दोगे? कार्ड में दिखा दो, ये कार्ड है हमारा, इसका फर्नीचर नेम से, एक इस पे मेरा नंबर है, एक मेरे भाई का नंबर है, ठीक है, उन्हें भी अवेलेबल है, दोनों नंबर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो गाइस मैं आपको एक छोटा सा और यहाँ पर टूर देता हूँ, एंड क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है, वैरायटी अच्छी लग रही है, और प्लस पर्सन अच्छा है, जिस मतलब दुकान होती है, होता है ना एकदम दिल से भर रहे लगता है, वो बंदा बहुत सही है। तो आपको यहाँ आके एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस करना, चलो आप एक बार टूर देखो। ये पूरा टूर था शॉप का, एंड बहुत अच्छी कलेक्शन लगी मुझे पर्सनली, एंड अच्छी में क्वालिटी हैवी है, एज पर जितना मैं लाइक मार्केट में विजिट करता हूँ ना, एंड क्वालिटी देखता हूँ, तो एक्चुअली क्वालिटी कंपैरिजन में हैवी है। जैसे मैंने मिरर्स वगैरह की दिखी है, या फिर जो भी लास्ट मिल रहा इन्होंने मुझे वो दिखाया ना सेट ओपन वाला, दैट वाज आल्सो रियल। सो हाँ, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लगेगी, एंड हेल्प करेगी आपको शॉपिंग के लिए। सो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड डू लाइक, मिलते हैं आपको एक और अमेजिंग वीडियो।